हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुमी। तो आप सब लोग कैसे हो मुझे बताना ज़रूर। तो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर एट होम। मैं कैसे मेरी फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ तो वही मैं वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिए प्लीज़। तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फेस पूरा क्लीन है, मैंने फेस वॉश करके आई हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र या आप लोग एलोवेरा जेल या किसी भी तरह की फेस जेल जो होता है वो यूज़ कर सकते हो, या मॉइस्चराइज़र ठीक वाला नहीं, थोड़ा नेचुरल जेल वाला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक थिन सा लेयर करूँगी मॉइस्चराइज़र से, जैसे कि स्किन ना कटे। अच्छे से मैं जहाँ जहाँ पर से हेयर रिमूव करूँगी वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्रीम अप्लाई कर लूँगी। मैं जिस तरीके से हेयर रिमूव कर रही हूँ ये जो मेथड है ये पूरा पेनलेस मेथड है। आप वैक्सिंग करोगे तब भी पेन आएगा, तो उसमें मेरे फेस पर रैश आ जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही हेयर रिमूव करती हूँ अपने फेस से। तो आप जहाँ जहाँ से भी हेयर रिमूव करोगे तो ऐसे एक क्रीम या जेल अप्लाई कर लेना। पहले मैंने जेल अप्लाई कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्विंकल का एक रेज़र में यूज़ कर रही हूँ, फेस रेज़र। तो यहाँ पर तीन सेट है, एक सेट पर तीन पीसेस है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन से लिया था फ्लिपकार्ट से, तो ये एक है इससे कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर करूँगी, मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा हेयर है तो आप लोग देख पा रहे हो, क्लियरफुली करना। तो ये मैं निकाल दे रही हूँ। मैं ये वाला पार्ट रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि ये अच्छा लगता है। कि इसी तरह से मैं इस वाले साइड पर भी कर लूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी टोनर। तो आप देख सकते हो फेस से हेयर रिमूव करने के बाद फेस कितना क्लियर दिख रहा है। तो मैंने आईब्रो नहीं किया क्योंकि आईब्रो मेरे से नहीं होता है, कट जाता है, इसलिए मैंने आईब्रोज नहीं किया। तो
मैंने फोरहेड पर भी नहीं किया क्योंकि मुझे रैश आ जाती है इसीलिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में।